सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग एक पार्शियल फ्रैक्शन का डिकम्पोजिशन का एक ट्रिक देखेंगे कि कैसे पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं बहुत कम समय में एक ट्रिक के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक रेशनल अल्जेब्रिक फंक्शन ले रहे हैं 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर तीन फैक्टर है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ये तीनों को आप एक एक करके लिख जाइए। एक बार 1 बाय x प्लस एक्स माइनस 1 फर्स्ट फैक्टर, फिर सेकेंड फैक्टर 1 बाय x माइनस 2, और फिर थर्ड फैक्टर जो है 1 बाय x माइनस 3। तीनों के बीच में यहाँ पर प्लस साइन है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय x माइनस 1 के साथ हमें जो नंबर होगा उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। यहां पर हम लोग x माइनस 1 को 0, जो फर्स्ट फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर को हम लोग यहां पर ले रहे हैं, तो फर्स्ट फैक्टर को 0 पुट करेंगे और 0 पुट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, दिस इज 1। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन है उसमें x माइनस 1 को आप क्रॉस कर दीजिए। इससे हम लोग इस फैक्टर के लिए निकाल रहे हैं, तो x माइनस 1 को आप क्रॉस कर दीजिए, इसको आप छोड़ करके आगे बढ़िए। बाकी जो बचा हुआ है इसमें से x के जगह आप यहाँ जो 1 निकाले हैं तो x के जगह 1 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स के जगह 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3। फिर नेक्स्ट वाला में 1 बाय एक्स माइनस 2 के साथ अगर आपको लिखना है तो उसके लिए जो सेकेंड फैक्टर है x माइनस 2, इसको 0 पुट कीजिए और यहां से x का वैल्यू 2 निकाल लीजिए। इससे x का वैल्यू 2 निकल गया। अब हम लोग ये जो सेकेंड फैक्टर है इसके लिए लिख रहे हैं तो इसको क्रॉस कर दीजिए। इसको क्रॉस करने के बाद जो बचा हुआ है उसमें x के जगह आप 2 पुट कर दीजिए। तो देखिए मैं 2 पुट कर रहा हूँ, 3 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी 2 माइनस 1 हो जाएगा और इंटू 2 माइनस 3। तो ये सेकेंड का कोएफिशिएंट निकल गया। अब थर्ड जो फ्रैक्शन है, थर्ड फ्रैक्शन का कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए जो थर्ड फ्रैक्शन है x माइनस 3, इसको 0 पुट कीजिए और इससे 0 पुट करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, 3 निकल रहा है। अब हम लोग यहाँ पर थर्ड फैक्टर को क्रॉस कर देंगे और इसके बाद जो बचा हुआ है उसमें से हम लोग x की जगह 3 पुट करेंगे। तो 3 इंटू 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखिए यहाँ पर हो गया 3 प्लस 2 5 और यहाँ 1 माइनस 2 माइनस 1 और 1 माइनस 3 माइनस 2। तो माइनस 2 इंटू माइनस 1 ये प्लस 2 हो जाएगा और ये 1 बाई एक्स माइनस 1 रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए 3 टू जा 6 प्लस 2 8 हो गया और यहाँ पर 2 माइनस 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 प्लस 1, तो ये 8 बाई माइनस 1 माइनस 8 हो गया। यहाँ पर 3 3 या 9 प्लस 2 11 हो गया और नीचे 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज हो गया। ये बड़ी आसानी से हम लोग निकाल लिए। अगर इसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है तो इंटीग्रेशन के लिए इस रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन के लिए हम लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज कर चुके हैं। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का डिकम्पोजिशन ये था, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो 5 बाई 2 आपका कांस्टेंट है और 1 बाई एक्स माइनस 1 का लॉग एक्स माइनस 1, माइनस 8 कांस्टेंट है, 1 बाई एक्स माइनस 2 का लॉग ऑफ एक्स माइनस 2, और 11 बाई 2 कांस्टेंट है इसका 1 बाई एक्स माइनस 3 का लॉग एक्स माइनस 3, साथ में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये बहुत कम समय में हम लोग इसका इंटीग्रल आसानी से निकालनी है। तो ये ट्रिक हो गया। इस ट्रिक से आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको ट्रेडिशनल मेथड से ही इसको इंटीग्रेशन करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करना है। चलिए हम लोग एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ये रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन मैं ले रहा हूँ 2 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करके इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करते हैं। यहाँ पर आप तीन फैक्टर देख रहे हैं, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 3। आप ये तीनों फैक्टर को लिख जाइए। सबसे पहले 1 बाय x माइनस 1, फिर 1 बाय x प्लस 2 और फिर नेक्स्ट 1 बाय x माइनस 3। आप इसका कोएफिशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो फर्स्ट फैक्टर x माइनस 1 है इसको आप 0 पुट कीजिए। इसको 0 पुट करके इस x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो x का वैल्यू 1 आ रहा है। अब यहाँ पर आप x माइनस 1 को क्रॉस कर दीजिए
और बाकी जो फंक्शन बचा हुआ है उसमें x की जगह 1 पुट कर दीजिए। तो देखिए मैं 1 पुट कर रहा हूँ x की जगह 2 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3। अब नेक्स्ट 1 बाय x प्लस 2 का कोएफिशिएंट निकालने के लिए सेकेंड फैक्टर को 0 पुट कीजिए। सेकेंड फैक्टर को 0 पुट करके x का वैल्यू माइनस 2 निकल रहा है और ये अब सेकेंड फैक्टर को क्रॉस कर दीजिए और बाकी जो फंक्शन बच रहा है उसमें x की जगह माइनस 2 पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ रहा है। और फिर नेक्स्ट 1 बाय x माइनस 3 का कोएफिशिएंट निकालने के लिए थर्ड फैक्टर x माइनस 3 को 0 पुट करते हैं और x माइनस 3 का 0 पुट करके वैल्यू x इक्वल टू 3 आ रहा है। अब यहाँ पर x माइनस 3 को क्रॉस कर दे रहे हैं और बाकी जो फंक्शन बच रहा है उसमें x की जगह 3 पुट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू आ रहा है। इसका कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू आ रहा है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज हो गया। और अब अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या कीजिए, जो पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज किए उसको लिख गए और माइनस 1/6 कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट रहने दीजिए और 1/x-1 का लॉग ऑफ x माइनस 1, फिर ये प्लस इंटू माइनस माइनस 1/3 ये रहने दीजिए, 1/x+2 का लॉग ऑफ x प्लस 2, फिर प्लस 1/2 रहने दीजिए और 1/x-3 का लॉग ऑफ x माइनस 3 और साथ में इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो ये इसका इंटीग्रल हो गया। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।